इन दिस सेक्शन आई विल टेल यू हाउ टू वट इज मेन्ट बाय दैल्यू रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ टू वी कैलकुलेट इट सो फर्स्टली वी नीट टू अंडरस्टैंड वॉट आर द बेसिक कॉम्पोनेटल रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न में हम दो कॉम्पोनेंट्स लेते हैं द फर्स्ट वन इज द डिविडेंट इनकम कॉम्पोनेंट एंड द अदर इज द प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट सो डिविडेंट इनकम कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो अगर अनाउंस हुआ है किसी भी कंपनी ने अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है उस डिविडेंड को जो उन्होंने इनिशियल प्राइस पे की होती है उससे हम डिवाइड करके रिटर्न का एक कंपोनेंट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं डिविडेंड इनकम कंपोनेंट। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ वी टेक इनटू अकाउंट द कैश डिविडेंड एंड वी डिवाइडेड इट बाय द इनिशियल प्राइस एट विच

They keep on के prices, रोज जाना, हर वक्त के साथ घंटों के घंटों के हिसाब से बदलते हैं जैसे आप स्टॉक के मूवमेंट्स को देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट तो उसमें आप क्या करते हैं जो अभी कीमत मार्केट में है उस स्टॉक की या जिस स्टॉक के ऊपर आप उसको आने, आपने जिस कीमत के ऊपर आपने वो स्टॉक बेचा है माइनस जिस पे आपने खरीदा था इनिशियल प्राइस पी वन माइनस पी नॉट वो डिवाइड करेंगे आप पी नॉट से तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट सो प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट को डिविडेड इनकम कॉम्पोनेंट में जमा कर देंगे तो आपके पास टोटल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा टोटल रेट ऑफ रिटर्न को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ नंबर्स की मदद ली है तो सपोज हमारे पास जो डिविडेंड इनकम कॉम्पोनेंट है सपोज वो थ्री परसेंट है और प्राइस चेंज कॉम्पोनेंट सेवन परसेंट था तो थ्री परसेंट को सेवन परसेंट में जब हम जमा कर देंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा टेन परसेंट तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर वन स्टॉक राइट नाउ देर इज़ अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज वी ऑलवेज कंसिडर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एन आई एस सी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका मतलब है आई एम टॉकिन अबाउट द मीन तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करेंगे अपने फैसले के लिए कि हमें इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट तो में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं या इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमें बेच देना चाहिए कि आप एक वैल्यू ऑफ रिटर्न को कंसिडर करने वाले हो ऐसा नहीं होता तो जो हमारे पास फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं या जो एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं दे लुक एट द मीन वैल्यू और साथ में वो उसका डिस्पर्शन को भी एनालाइज करते हैं तो जो मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको निकालने के लिए हमें रिटर्न्स की वैल्यू चाहिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स की और इसके साथ ही में उनकी प्रॉबीबलिटीज़ चाहिए कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और एग्जाम्पल में देखा था कि हमने बोला कि जब इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा वीक इकॉनॉमी के सिचुएशन में क्या होगा नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा तो इस तरह से आप मुख्तल टाइम पीरियड्स के ऊपर रेट ऑफ़ रिटर्न जो फ्यूचर में आ रहा होता है अभी रियलाइज नहीं हुआ हम उसको एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहे हैं उन वैल्यूज़ को आप अंदाज़ा लगाते हैं और साथ ही में आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और ये दोनों बातें कंसिडर करके फिर आप जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ़ रिटर्न उसको निकालेंगे और उसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ गिवन बाय ई ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड उसको याद रखिएगा क्योंकि इसको हमने बहुत सारी और जगहों पे भी इस कॉन्सेप्ट को हमने इस्तेमाल करना है स्मॉल आर स्टैंड फॉर द रेट ऑफ रिटर्न और ई e का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न और जहां हम कहेंगे ई ऑफ आर इसका मतलब है याद रखने की बात है इसका मतलब है हम मीन की बात कर रहे हैं एवरेज की बात कर रहे हैं तो ई ऑफ आर का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू कैसे निकलेगी आपने बोला सपोज हम छः माह का एनालिसिस कर रहे हैं मंथली वैल्यूज़ ऑफ़ रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मे जून ये छः महीनों की आपने रिटर्न्स ली हमने उनका नाम रखा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स और हर एक आर की वैल्यू की साथ में आपको फॉर करनी पड़ेगी उसकी चांस क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम मार्च में बीस फीसद रिटर्न मिलेगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो उसकी चांस क्या है यानी कि दस फीसद चांस है बीस फीसद चांस है उसका चांस क्या है तो वो चांसेस को या प्रोबेबिलिटीज को आप अकाउंट फॉर करना है और हर टाइम पीरियड की प्रोबेबिलिटी को हमने इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर तो आर वन को आपने उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी वन से मल्टीप्लाई करना है आर टू को पी टू के साथ मल्टीप्लाई करना है आर थ्री को पी थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से मेरी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी है सपोज हमारे पास छः माह का एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसकी प्रॉबिलिटीज हैं तो हम छ माह की छः वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर अपना मीन निकाल सकते हैं और वो कैसे निकालेंगे आपने पी वन आर वन पी वन को आर वन से मल्टीप्लाई करके पी टू को आर टू से मल्टीप्लाई करके सो ऑन छः के छः वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपने आपस में एडॉप्ट कर लेना है तो वो आपका मीन कहलाएगा और यहाँ जो फॉर्मूला है ये एन रेट ऑफ़ रिटर्न के लिए कैलकुलेट बताया गया है आपको जनरल फॉर्मूला है तो इसमें आपको आर वन पी वन आर वन से लेके एक्सटेंड होता हुआ पी एन आर एन तक नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि कोई भी टाइम पीरियड के लिए हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको बेसिकली आप समेशन करेंगे या आप समेशन का साइन इस्तेमाल कर लें सिग्मा तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि मीन ऑफ रिटर्न को सम ऑफ uh, सिग्मा का साइन लगा के सिग्मा पी आई आर आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दीज आर द टू वेज और दोनों एक ही बात बता रही हैं दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी एंड दिस इज वॉट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इसी को इलास्ट्रेट करने के लिए आई एम गो टू टेक द जेनको एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक स्टॉक है हम इज्यूम करें उसका नाम है जेनको और जेंको तीन डिफरेंट इकोनॉमी के सूरत हाल में डिफरेंट रिटर्न यील्ड करती है और उनकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हैं इस डेटा की मदद से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि मीन ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे आपने पहली रिटर्न लेनी है उसकी प्रॉबलिटी हाउस उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसको जमा करना है दूसरी रिटर्न को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सो ऑन यहाँ हमारे पास सिर्फ तीन ऑब्जर्वेशन हैं हमने तीनों को उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उनको एडअप कर दिया और मेरे पास वैल्यू आई है यहाँ नॉट पॉइंट वन यानी कि जीरो पॉइंट वन इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये टेन परसेंट हो जाता है टेन परसेंट का मतलब है द मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो तीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उनकी मीन निकली है टेन परसेंट इसका मतलब है ऑन एवरेज जेनको का स्टॉक क्वा बुरी इकोनमी होगी नॉर्मल होगी या अच्छी होगी आपको दस फीसद रिटर्न दे सकता है ये ये बता रहा है आपको राइट सो दे फॉर वी डू टेक इन टू अकाउंट द मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न बट आपने सिर्फ रिटर्न को जमा नहीं करना उनकी प्रॉबिलिटीज के साथ उनको मल्टीप्लाई करके फिर अप करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मीन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो जाए